नमस्कार, मैं सुयश और मेरे को होस्ट सौरभ जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, आपका इस शो पर स्वागत करते हैं। आज हम आपको दो ऐसे नायाब तरीके बताएंगे जिससे कि संसद कोर्ट्स के अगेंस्ट जा सकता है। जी हां, संसद कोर्ट्स के अगेंस्ट। और सरप्राइजिंगली यह तरीके खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक रीसेंट जजमेंट में बताए हैं। मान लीजिए कोर्ट ने अपने एक आदेश में किसी कानून को अवैध या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है और अब सरकार चाह रही है कि संसद के जरिए एक नया कानून या संशोधन लाया जाए जिससे कि कोर्ट के उस आदेश को किसी भी तरीके से बाईपास या खत्म करा जा सके। सुनने में यह नामुमकिन सी बात लगती है कि संसद न्यायालय के विरुद्ध कैसे जा सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बिल्कुल संभव है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि संसद का नया कानून उन परिस्थितियों को ही खत्म कर दें जिनमें कोर्ट ने अपना पुराना आदेश दिया था। इसको समझाने के लिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इमेजिन करिए एक कानून है जो कहता है कि अगर आप सरकारी बस में 2 किलोमीटर से ज्यादा सफर कर रहे हैं तो आपको 20% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। जो लोग सरकारी बसों में 2 किलोमीटर से ज्यादा सफर करते हैं वह इस टैक्स को कोर्ट में चुनौती देते हैं और कहते हैं कि बस में ज्यादा सफर करने वाले लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव एकदम गलत है और यह उनके राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। कोर्ट उनकी इस दलील को मान लेती है और उस 20% एडिशनल टैक्स लगाने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर देती है। इसके बाद संसद चिंता में पड़ जाता है कि हमारे कानून को तो कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, अब हम क्या करें। तो वह एक नया कानून ले आती है और कहती है कि अब यह 20% एडिशनल टैक्स बस में सफर करने वाले सभी यात्रियों को देना पड़ेगा और यह केवल 2 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने वाले यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। बेसिकली टैक्स का कानून राइट टू इक्वालिटी के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित हुआ था। अब नए कानून से संसद ने यह परिस्थिति या समस्या ही दूर कर दी, क्योंकि अब यह टैक्स सब पर लगेगा। अब 2 किलोमीटर से ज्यादा सफर कर रहे यात्री यह नहीं बोल सकते कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है। यह तो बात हो गई पहले तरीके की। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिससे संसद कोर्ट के आदेश को बाईपास या खत्म कर सकता है। यह तरीका है कि अगर कोर्ट ने किसी कानून में कोई त्रुटि या खामी बताई है तो उसको कानून में एक छोटा सा संशोधन या अमेंडमेंट लाके दूर कर दिया जाए। अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम अपने पिछले एग्जांपल पर ही फिर से चलते हैं। इमेजिन करिए कि अब सरकारी बसों में सफर करने पर सभी लोगों पर 20% एडिशनल टैक्स लग रहा है। अगर 10 रुपए की टिकट है तो उस पर 2 रुपए टैक्स सबको देना पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा टैक्स सब लोगों पर लगाना एकदम गलत है, क्योंकि बस में स्कूल जाने वाले बच्चे भी होते हैं और इस तरीके का टैक्स उनके राइट टू एजुकेशन में बाधा डालता है। जिस बच्चे के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे वह सरकारी बस में सफर करके स्कूल सुगम तरीके से नहीं पहुंच पाएगा और शिक्षा से वंचित रह जाएगा। अगेन मामला फिर से कोर्ट पहुंचता है और फिर से कोर्ट का कहना पड़ता है कि चूंकि ऐसा टैक्स बच्चों के शिक्षा के अधिकार में बाधा डाल रहा है इसलिए यह असंवैधानिक है। इसके बाद संसद को लगता है कि हम नया कानून बनाते हैं और कोर्ट बार बार इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, अब हम क्या करें। तो संसद इस कानून में एक छोटा सा संशोधन या अमेंडमेंट लाती है जिसके जरिए वह 20% एडिशनल टैक्स स्कूल जाने वाले बच्चों पर लागू नहीं होगा ऐसा कानून बना देती है, सो दैट जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई भी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी ना आए। बेसिकली संसद ने क्या किया, उसने वह त्रुटि या खामी दूर कर दी जिसके कारण कोर्ट ने उस कानून को अवैध या असंवैधानिक बोला था। जैसा कि मैंने बताया यह सब तरीके सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने एक रीसेंट जजमेंट में बताए हैं और इन तरीकों का एक कानूनी नाम भी है, डॉक्ट्रीन ऑफ एब्रोगेशन। तो सौरभ, आपका क्या सोचना है डॉक्ट्रीन ऑफ एब्रोगेशन के बारे में। जी सुयश, मुझे लगता है कि आपने डॉक्ट्रीन ऑफ एब्रोगेशन तो बता दिया, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि संसद कब कोर्ट के आदेशों को बाईपास नहीं कर सकती है।
मुझे लगता है कि ऐसी दो सिचुएशंस होती हैं। पहला, जब कोर्ट कोई स्पेसिफिक आदेश सरकार को देती है, फॉर एग्जाम्पल किसी के अपॉइंटमेंट के संबंध में। ये हमने ईडी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के केस में भी देखा था, जिसमें कोर्ट ने सरकार को कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए थे, जिसको कानूनी भाषा में मैंडमस भी बोला जाता है। वैसे स्पेसिफिक डायरेक्शंस को संसद कोई नया कानून या अमेंडमेंट लाके पलट नहीं सकती है। दूसरी सिचुएशन ये है जब संसद के पास वह कानून बनाने की क्षमता ही ना हो। इसको कानूनी भाषा में लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं। संसद कौन से कानून बना सकता है, यह हमारे संविधान के शेड्यूल 7 और आर्टिकल 245, 246 और 248 में साफ तौर पे दिए हुए हैं। इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि न्यायपालिका संसद के कानूनों की समीक्षा अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर के अंतर्गत करती है, और अगर संसद कोई नया कानून भी ले आती है तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी समीक्षा आगे चल के न्यायालय नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीते कुछ दिनों हमने डेली सर्विसेज एक्ट का मामला देखा था। यह नया कानून संसद ने कोर्ट के एक जजमेंट की प्रतिक्रिया में लाया था, जिसमें उसने दिल्ली सरकार की प्रशासनिक संरचना को मूलभूत तरीके से बदल दिया। हो सकता है संसद ने यह सोचा हो कि वह इस तरह से कोर्ट के पुराने जजमेंट, जिसमें उसने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, उसको बाईपास कर सकती है। लेकिन जो नया कानून डेली सर्विसेज एक्ट लाया गया है, कोर्ट उसकी समीक्षा अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर के अंतर्गत कर सकती है, और अगर किसी भी तरह से संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध उसके प्रावधानों को पाया जाता है तो कोर्ट चाहे तो विभिन्न आधारों पर नए कानून को भी अवैध घोषित कर सकती है। मुझे लगता है कि आज हम इस बात को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका और हमारी विधायिका के बीच आज एक फ्रिक्शन क्रिएट हो गया है और एक संघर्षपूर्ण माहौल है। इस पर आपका क्या सोचना है सुरेश जी? सौरभ, मैं आपसे पार्शियली ही अग्री करता हूं इस बात पे, क्योंकि न्यायपालिका और विधायिका के बीच यह संघर्ष हमेशा से ही चलता आ रहा है, और इसका कारण है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो विख्यात ज्यूरिस्ट मॉन्टेस्क्यू ने दी थी। इसके अनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारे स्टेट के, और इनके काम भी अलग अलग हैं। लेकिन जब भी इनमें से कोई भी ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन के कार्य क्षेत्र में इंटरफियर करता है तो इस प्रकार का फ्रिक्शन हमें देखने मिलता है, और यह परिस्थिति समय समय पर आती ही रहती है। कभी जुडिशियरी लेजिस्लेचर के पार को एनक्रोच करती है, कभी लेजिस्लेचर जुडिशियरी के पार को एनक्रोच करता है, कभी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पार को एनक्रोच करता है। तो आज जो मैंने दो तरीके बताए हैं, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ एब्रोगेशन भी बोलते हैं, यह इसी चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम का हिस्सा है, ताकि कोई भी ऑर्गन अपने सीमा का उल्लंघन ना कर सके। बेसिकली हमें यह समझना पड़ेगा कि कानून बनाना संसद का एक अधिकार है, और कोई भी कोर्ट इससे संसद को रोक नहीं सकती है। ठीक उसी तरह से जैसे आपने बताया कि जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार कोर्ट्स का होता है। अब इससे एक प्रश्न मेरे दिमाग में यह आता है कि संसद अगर कोई नया कानून बना के सीधे किसी कोर्ट के आदेश को खत्म करना चाहे तो क्या वह ऐसा कर सकती है? अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे वह एक्सप्लिसिटली लिख दे कि कोर्ट का यह जजमेंट इल्लीगल है, सो इज दैट पॉसिबल सौरभ? जी सुरेश, मुझे तो ये लगता है कि डायरेक्टली ऐसा नहीं किया जा सकता है। जब तक कि संसद दो तरीकों को नहीं अपनाती है जो आपने बताया है, पहला, कोर्ट ने जिन परिस्थितियों में आदेश दिया था वह संसद बदल दे अपने नए कानून में, और दूसरा, संसद कोर्ट की बताई हुई खामी को ही दूर कर दे। संसद डायरेक्टली कोर्ट के आदेश को इसलिए भी नहीं खत्म कर सकती है क्योंकि हमारे सिस्टम में न्यायिक आदेशों की एक बाइंडिंग वैल्यू होती है। अगर संसद डायरेक्टली कोर्ट के आदेशों को निरस्त करने लगेगी तो वह सीधे सीधे हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध होगा, क्योंकि इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से कुछ ऐसे अनकहे नियम हैं जिनको ना ही न्यायपालिका, ना ही कार्यपालिका और विधायिका तोड़ सकती है। इसमें से एक नियम है रूल ऑफ लॉ, जिससे कि जुडिशियल रिव्यू की पावर भी निकलती है। इसके अनुसार कोई भी कानून अगर तर्कसंगत नहीं है तो कोर्ट्स को पूरा अधिकार है कि वह उस कानून को अवैध घोषित कर दे। कोर्ट्स के इस अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता है। जी सौरभ, आई कंप्लीटली अग्री विथ योर व्यू, और हालांकि हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एब्रोगेशन को काफी सरल शब्दों में बताने की कोशिश करी, लेकिन अगर हमारे दर्शक इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो वह हमारे ब्लॉग
देसी कानून पर हमारा डिटेल्ड आर्टिकल पढ़ सकते हैं इस विषय पर, जिसका लिंक इस शो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में हमने अपने दर्शकों के लिए ओरिजिनल जजमेंट का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके भी पूरा जजमेंट देख सकते हैं। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि दर्शकों को ये चर्चा काफी पसंद आएगी, और मैं दर्शकों से यही आग्रह करता हूं कि वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।